हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नाइन ईवीएस अप यू गो सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माउंट माउंटेनियरिंग कैंप सो बेसिकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माउंटेनियरिंग माउंटेनियरिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग माउंटेन जो है हम लोग क्लाइंब करते हैं तो उसको हम माउंटेनरिंग कैंप बोलते हैं सो लेट स्टडी दी चैप्टर नेहरी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी उत्तर काशी वी वर एट दी माउंटेनियरिंग कैंप एंड वी आर वेरी एक्साइटेड ट्वेंटी ऑफ अर्स वर टीचर्स फ्राम केंद्रीय विद्यालय एंड देयर वर अदर वुमेन फ्राम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन तो ये जो हमारी जो नेरेटर है वो जो है माउंटेनिंग कैंप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो ये कह रही हैं कि माउंटेनिंग कैंप के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और ट्वेंटी टीचर्स जो थे वो केंद्रीय विद्यालय के थे और बाकी जो थी अदर वुमेन वो बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन की थी टुडे वाज़ दी सेकेंड डे ऑफ दी कैंप इन दी मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम इन पेंट I remembered yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go up, to go back to that steep climb and the rough, narrow path. आज हमारा माउंटेनिंग कैंप का सेकेंड डे है और जब मॉर्निंग में जब जो वो जो हमारी जो नरेटर है जब उन्होंने अपना पैर रखा नीचे ज़मीन पे तो उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ वो उन्होंने स्क्रीम भी किया उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ तब उनको याद आया कि कल वो ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर वॉक पे वो चली थी और वो भी ऊपर से पीछे उन्होंने बैक पे अपना पीठ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेज भी रखा था और वो जो है आगे जो है अब जो है आगे वो जाना नहीं जाना नहीं चाहती थी क्लाइम नहीं करना चाहती थी इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स आंखों में आंसू उनके आ गए और वो धीरे धीरे जो है वो, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम में वो चली गई और वो जो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे वो उनके डायरेक्टर थे उनके एडवेंचर के लिए आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्राम दी फ्राम दैट डेज ट्रैक सडनली आई हर्ड हीज डीप वॉइस फ्राम बिहाइंड मैं ये तब तक मैं ये सोच रही थी कि मैं उनसे क्या एक्सक्यूज करूं कि मैं आज जो है ट्रैक पे ना जा सकूं थोड़ी देर बाद मैंने उनकी एक डीप वॉइस जो है वो सुनी दी वो सुनी मैंने पीछे से मैडम वॉट वॉट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ट्रैक ऑन एम्प्टी स्टमक तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उनको कहा मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर हरी अब जल्दी जाइए नहीं तो आपको ट्रैकिंग जो है आज आपको जो ट्रैकिंग जो करनी पड़ेगी वो आपको खाली पेट करना पड़ेगा सर सर आई कुड से एनी मोर मैं सर 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 मैं कुछ बोलती सर ने कुछ जो है कहा यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैनोट वॉक इज इट तब तक सर ने ही कह दिया कि अच्छा तुम यहां पे इसलिए आई हो कि तुम आज चल नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पाँव में छाले हो गए हैं तो जो हमारी नेरिटर ने कहा वो कहा यस सर दैट इज नथिंग न्यू यू गेट रेडी क्विकली तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है जाओ जल्दी तैयार हो जाओ आई हंग माई हेड एंड रस्ट बैक टू गेट रेडी I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number seven. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. हमारी जो नरेटर थी वो नीचे अपना सिर झुका सिर झुकाकर धीरे धीरे वो जो है वो जा रही थी तब तक पीछे से जो है फिर से आवाज़ आई फिर वो टर्न हुई तो उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने कहा मैडम सुनिए आपको जो है ग्रुप नंबर सेवन को लीड करना है आप लीडर हैं और आपको उनकी मेंबर्स जो है ग्रुप नंबर सेवन में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हेल्प करना है और अगर उनको कोई डिफिकल्टी होगी क्लाइंबिंग में तो वो आपकी वो आप उनकी हेल्प करेंगी और आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो वहीं पर बता दी जाएगी नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन टेल हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स हैव यू ऑल्सो क्लाइम दी माउंटेन वेन एंड वेयर क्या आपने कभी माउंटेन देखा है और देखा है तो क्या कभी क्लाइम किया है कब और कहाँ हाउ फार यू वॉकड एट वन टाइम एक बार में आप कितनी कितना टाइम आप चले हैं हाउ फार कैन यू वॉक और कितनी दूर तक आप चल सकते हैं चले इमेजिन वॉट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑफ दी ऑन द माउंटेंस अब आपको इमेजिन करना है कि माउंटेन का जो पाथ है वो कैसा होता है वो आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है तब तक नरेटर जो है वो सोच रही हैं अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट अ लीडर मस्ट डू हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स लेट दी ग्रुप गो अहेड एंड कीप दी कीप टू दी लास्ट हेल्प दोस्ट हु कैनोट क्लाइम प्रॉपरली फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल अरेंज फॉर फूड फॉर दी ग्रुप तो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब वो ये सोच रही हैं कि लीडर जो है वो क्या क्या करते हैं तो पहला चीज़ जो है वो हेल्प करते हैं दूसरे का बैग को कैरी करने में और ग्रुप को जो है आगे कर देते हैं और वो खुद जो है वो लास्ट में रहते हैं और जिनको जो है चढ़ने में दिक्कत होती है उनको भी वो हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में और फिर वो गुड प्लेस को भी देखते हैं कि कहाँ पे गुड प्लेस है जहाँ पे वो रेस्ट कर सके उसके बाद जो है जो ठीक जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी वो हेल्प करते हैं उसके बाद नेक्स्ट फूड फूड भी वो अरेंज करते हैं अपने उस ग्रुप के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिस्ड इवेन वेन समन एल्स मे मे हैव मेड अ मिस्टेक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अगर किसी और ने भी अगर मिस्टेक की होगी तो उसकी भी पनिशमेंट जो है आपको ही लेनी पड़ती है आई रियलाइज दैट देर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे है आई वंडर्ड वेदर दैंप विल्स बी स्टिल फ़न तब मेरे को लगा क्या ये कैंप में यहाँ पर फन हो पाएगा ग्रुप नंबर सेवेन ग्रुप नंबर सेवन इंक्लूडेड गर्ल्स फ्राम आसाम मनीपुर मिज़ोरम मेघालय एंड नागालैंड नागालैंड ग्रुप नंबर सेवेन में जो गर्ल्स थी वो आसाम से थी मनीपुर की थी मिज़ोरम की थी मेघालय की थी एंड नागालैंड की थी आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय इन दिस ग्रुप मैं ये एक ही टीचर थी जो केंद्र विद्यालय की जो इस ग्रुप में थी आई वॉज़ हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स और मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं न्यू मम्बर्स से मैं मिल रही हूँ मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल बहुत सारी ऐसी भी जो वुमेन थी वो हिंदी जो है अच्छे से बात हिंदी हं, में बात नहीं कर पा रही थी आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बींग टूगेदर फॉर ट्वेंटी वन डेज आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खो खी फ्राम मिज़ोरम तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ट्वेंटी वन डेज हो गया और फिर भी जो है हम लोगों ने एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं किया और मुझे और भी सबसे ज़्यादा बुरा लगा जो एक लड़की थी खॉन्डोन बी की जो मिज़ोरम की थी शी स्पोक ओनली मिज़ो बट इन आवर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर बट हमारा जो हार्ट था हार्ट वो जो है काफी ज्यादा एक दूसरे से अटैच हो गया नाउ देर इज अगेन क्वेश्चन फॉर यू पीपल टेल वॉट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर अब आपको ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको बतानी है हाउ कुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैम्प आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी कैंप में अगर आप लीडर हो तो वॉट डज अ मोनिटर इन योर क्लास हैव टू डू मोनिटर जो आपकी क्लास में है वो क्या करते हैं वुड यू लाइक टू बी दी क्लास मोनिटर क्या आपको क्लास मोनिटर बनना पसंद है अगर पसंद है तो क्यों नाउ देर इज अगेन फिफ्थ फेब्रवरी नाइनटीन एटी फोर क्रॉसिंग दी रिवर वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट विथ आर ब्रेकफास्ट तो जो हमारी जो नरेटर हैं उन्होंने ये कहा कि हमें मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट था वो ये दिया गया था विटामिन सी दिया था और आयरन टैबलेट्स और हॉट मिल्क शेक भी दिया था सो दैट दीज वर गिवेन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वॉम इन दी कोल्ड सो जिससे कि ये हमें जो है स्ट्रेंथ दे और ठंडी में ये हमें गर्मी जो है वॉम भी हमें दे एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप वी टाइड आर बैंडेज एंड काउंटेड दी डेज लेफ्ट तो एवरी मॉर्निंग जो है हम लोगों का जो है सबका मेडिकल चेकअप होता था और हम लोग अपना बैंड बैंडेज जो है वो बांध देते थे और उसके बाद हम लोग डेज को हम लोग काउंट करते थे

पिटन्स ऑन बोथ द साइड्स आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे बंधा हुआ है ड्राइंग में आई वॉज़ फीलिंग नर्वस आई स्टार्टड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या होता अगर रिवर जो है अगर वो बाहर आ जाए तो रिवर अगर अगर हाथ में आ जाए तब क्या होगा और उसके बाद मैं एस्टिमेट कर रही थी कि रिवर जो है वो कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग इन इट टाइप ऑफ हुक। ही देन पुट दिस स्लिंग ऑन दी थिक रोप एंड टाइड अक्रॉस द रिवर वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू दी अदर साइड तो हम उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप को बांधा अपनी कमर में और एक उसने फटाक से एक हुक जो होता है उसको स्लाइंग किया और फिर वो नेक्स्ट जो है रिवर को वो क्रॉस कर गया वॉकिंग थ्रू दी आई सी ही वेंट ऑन दी अदर साइड फिर वो दूसरे साइड भी वो पहुँच गए नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू दी फास्ट फ्लोइंग रिवर कोई भी रेडी नहीं था कि इस रिवर को क्रॉस करने के लिए क्योंकि वो जो रिवर थी वो काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ में वो फ्लो हो रही थी एवरी वन पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट है सभी जो है वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तुम पहले जाओ तुम पहले जाओ आई स्टूड लास्ट इन दी लाइन हॉपिंग दैट नो वन वुड सी मी मैं जानबूझकर जो है सबसे लास्ट में थी कि कोई मुझे देखे ना जस्ट देन आर इंस्ट्रक्टर केम नियर विथ मी एंड स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड तभी एक इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्टर जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने रोप और उन्होंने स्लिंग को उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया आई न्यू आई न्यू देयर वॉज नो स्केप न अब मैं समझ गई कि अब यहाँ से बचना जो है वो मुश्किल है आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव दी करेज मैं रेडी हो गई बट मेरे पास वो करेज नहीं था सर कुड गेस माई फियर सर जो है वो भी गेस कर ले ही कॉल्ड आउट लाउडली उन्होंने बहुत जोर से मेरा नाम लिया थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम उन्होंने थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम भी कहा एंड बिफोर आई न्यू इट समन हैड जेंटली पुस्ड मी इन टू दी रिवर इससे पहले कि मैं कुछ जानती किसी ने मुझे धीरे से पुश कर दिया पानी में आई फेल्ट दैट इफ़ माई फीट वर फ्रोजन आई स्टार्टड शिवरिंग माई टीथ एंड माई टीथ वर चैटरिंग मुझे ये जब जैसे ही जब मैं पानी में आई तो मेरा जो पैर था वो एकदम बिल्कुल आ, बिल्कुल फ्रोज ए हो गया जम गया और मैं बिल्कुल कांपने लगी और मेरे मेरी जो टीथ थे वो काफ़ी ज़्यादा शैटरिंग करने लगे आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बेड मैं धीरे धीरे जो है अपने पैर को रिवर के बेड पे मैं रखने लगी मतलब उसके पानी में मैं अपना पैर जो है वो मैं रखने लगी एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर मैं जितना आगे जाती उतना जो है रिवर जो है वो डीप होती जाती एंड स्लोली द वॉटर रीच्ड इन टू माई नेक और जो पानी है वो मेरे गले तक आ गया था इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग मिडल ऑफ द रिवर में क्या हुआ कि मैंने अपना बैलेंस जो है वो खो दिया और मैं स्लिप होने लगी आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड मैं इतना डर गई और मैं इतनी ठंडी पड़ गई दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प मैं फिर हेल्प करने हेल्प मांगने के लिए मैं चिल्लाने लगी आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर मैं श्योर थी कि मैं अब पानी से मैं ही मैं बह जाऊंगी। बट नो आई फाउंड दैट आई वॉज़ टाइड विद दी रोप टू दी स्लिंग फिर जो है मैंने आ, मैंने वहाँ पे ये किया एक रोप को पकड़ लिया और फिर वहाँ से मैं स्लिंग हो गया वहाँ से मैंने स्लिप किया होल्ड द रोप होल्ड द रोप तो सब लोग बोल रहे थे रस्सी पकड़ो रस्सी पकड़ो आई कुड हीयर दी शाउट्स मैं जो है शाउट भी मैं सुन सकती थी सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ दी रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड मैंने कैसे भी हो भी, भी रस्सी को पकड़ा और अपने आप को आगे की तरफ पुश किया स्लोली विथ करेज आई रीच द रिवर बैंक अब जो है धीरे धीरे एक करेज के साथ मैं एक रिवर बैंक के पास में आ गई आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ़ हैप्पीनेस मुझे एक बहुत अच्छी सी एक खुशी उस टाइम पे फील हुई एज आई केम आउट ऑफ दी वाटर जैसे मैं मैं पानी से बाहर आ गई हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टै टास्क और जो हैप्पीनेस थी वो ये थी कि मैंने एक चैलेंजिंग टास्क को अच्छे से फिनिश कर लिया नाउ स्टैंडिंग ऑन दी बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू दी अदर्स टू होल्ड दी रोप टाइटली फिर मैं बाकी को मैं मैं नाम ले रही थी और उनको बोल रही थी कि रोप को बहुत टाइटली पकड़ के रखें आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज अब मैं जान गई थी कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो जो है रिजल्ट है मेरे करेज को जो है मुश्किलों का जो जो मैंने जो किया था उस उसका करेज है कि मैंने इतने आसानी से इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर लिया सो दिस इज दिस इज द पार्ट वन दैट आई हैव कम्प्लीटेड टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो Thank you and have a good day. Next, I'll start tomorrow.